नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं बाबर के ऊपर। आप सबको शायद लग रहा होगा कि हम लोग क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन ये काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड की वजह से बाबर फिर से लाइमलाइट में आ चुके हैं। कभी कभी तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी मुगल एम्पायर में वास कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं से मुग़लों की तारीफ़ें, उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, वो उन्होंने इंडिया को मॉडर्नाइज किया है, ये सारे क्लेम हम लोगों को सुनने मिलते हैं, वो भी अपने ही देश के लोगों से। Nuts explained. पता नहीं क्यों, लेकिन लोग इस बात को भुला देना चाहते हैं दैट बाबर वॉज एक्चुअली अ ब्लेटेंट मर्डरर। और सिर्फ बाबर ही नहीं, बाबर के बाद जितने भी सक्सेसर्स मुगल एम्पायर से आए हैं, उनको जितना भी लोग सेक्युलर प्रूफ करने की कोशिश करें, अल्टीमेटली दे ऑल आर इन्वेडर्स एंड दे विल ऑलवेज बी इन्वेडर्स हु किल्ड द नेटिव पीपल ऑफ इंडिया, डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, ट्राइड टू डिस्ट्रॉय आवर कल्चर एंड ट्राइड टू मोलेस्ट आवर वुमेन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप सबके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बाबर आखिर कंट्रोवर्सी में है क्यों। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि एक सीरीज आई है हॉटस्टार पे, जिसमें हम लोग बाबर की ह्यूमैनिटेरियन साइड को देख सकते। हियर दे आर शोइंग दैट बाबर वाज अ 14 ईयर ओल्ड हु वाज इनोसेंट, हु डिड नॉट वांट टू रूल इंडिया, लेकिन उन्हें अलग अलग कारणों की वजह से इंडिया पे रूल करने के लिए आना पड़ा। और ये भी दिखाया गया है कि वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे थे, दो महिलाएं थी जो उनको सारे डिसीजंस लेने पे मजबूर करती थी। मतलब अगेन वी आर शोइंग एंड प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। 3 हफ्ते पहले इस सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लेंट्स भी किए हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। इन जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको कायदे में रखने के लिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले थे, जिसको फॉलो करके ही कोई भी सीरीज या मूवी पब्लिश हो सकती है। लेकिन ये लोग भी बाज नहीं आते हैं, ये लोग कोई ना कोई लूप होल निकाल ही लेते हैं, जिसके थ्रू ये लोग आपत्तिजनक कंटेंट लोगों को दिखा रहे हैं। पुराने ज़माने से अभी तक जो बॉलीवुड है, वो कंटिन्यूसली मुगल एम्पायर्स पे मूवीज़ बनाते ही जाते हैं, और मूवीज़ एक ऐसा माध्यम है जिसका इम्पैक्ट एक ही झटके में बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। दे ऑलवेज वॉन्ट टू रोमांटिसाइज, विक्टिमाइज द मुगल एम्परर्स, चाहे वो मुगले आजम हो, ताजमहल हो, जोधा अकबर हो, या फिर अभी की जो ये सारे नए नए सीरीज आ रहे हैं, हम हमेशा अकबर, बाबर, औरंगजेब, इनकी प्रेम कहानियों पे फोकस डालते हैं और उनके कैरेक्टर में हम ऐसे एक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पेशली जो फीमेल ऑडियंस है वो उनको रोमांटिसाइज कर सके। सो बेसिकली ऑल दिस इज अ प्लान थ्रू विच लव जिहाद गेट्स प्रमोटेड। लड़कियों को एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जोधा अकबर में भी हमने यही देखा था कि एक हिंदू रानी के लिए अकबर कितना एडजस्ट कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उनको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में इन लोगों का अपनी वाइफ राधा वाइफ्स के लिए या फिर दूसरी किसी भी महिलाओं के लिए क्या इज्जत थी, वो तो हम अच्छे से जानते हैं। अभी जो नई सीरीज आई है, वहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ही आदमी को हीरो बनाने की कोशिश की गई है, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स थे वो दिखाए गए हैं, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि उन्होंने एक्चुअली में इंडिया में इंडिया के लोगों के साथ किया क्या था। So that is the hypocrisy of Bollywood. Now we have to know the present government scenario. No India बोल के एक government का website है जिसपे हम लोग देख सकते हैं obscene and outrageous affinity to Mughal invaders who had destroyed hundreds of Hindu temples and had inflicted innumerable atrocities on native Hindus of the land. लेकिन हमारा देश secular है तो यहाँ की government भी उस secular point of view से ही ये सारे information अपने खुद के वेबसाइट पे दे रही है। एंटायर पेज है मिडिवल इंडिया के ऊपर जो कि डेडिकेटेड है टू द मुगल रूलर्स, विद द ओपनिंग पैराज डिस्क्राइबिंग द मुगल रूल इन इंडिया एज द ग्रेटेस्ट एम्पायर एवर। लेकिन अभी तो सरकार हम लोगों की ही है, इसलिए हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी जो गलतियां हैं
उनको रेक्टिफाई किया। बहुत सारे कंप्लेंट्स इसके अगेंस्ट जाने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने ये कहा है कि वो डायरेक्टली इस चीज़ को हैंडल नहीं करते हैं। तो फिर अगर आप नहीं करते हैं और अगर आपके बिहाफ में कोई करता भी है तो उसको रेक्टिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। इट इज़ नोटेबल हियर दैट आफ्टर द आउटरीच हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने एकदम पूरी तरह से सब कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। जो एंटायर ग्लोरिफिकेशन वाला पैसेज था उसको हटा दिया गया है। बट द करेंट पेज शोज अ ब्रीफ समरी ऑफ द मुगल क्रोनोलॉजी। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि जो मुगल्स हैं हाउ डू देयर रूलर्स गेट इंडिविजुअल मेंशंस इन दिस वेबसाइट, जबकि हमारे जो हिंदू साम्राज्य थे उनका मेंशन कभी कभी वन लाइन में कर दिया गया है और मोस्टली तो मेंशन किया ही नहीं गया है। यहाँ पे अहोम डायनेस्टी, बाजीराव का मेंशन या फिर गजपति डायनेस्टी का कोई भी मेंशन देख ही नहीं सकते हैं। और ऐसा सिर्फ हम इस वेबसाइट पे ही नहीं, अभी जो हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स हैं उन पे भी हम लोग एग्जैक्टली यही सेम चीज देख सकते हैं। इवन आई हैव सीन द स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट लर्निंग सो मच अबाउट मुगल्स एंड नॉट अबाउट द इंडियन रूलर्स। इन द नो इंडिया वेबसाइट वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग अबाउट द इस्लामिक invasion of India. There is not a single mention of how Islamic invaders looted Hindu temples, razed them to the ground and forcefully converted millions of people. उन्होंने कैसे सिख गुरुस को ब्रूटली खत्म कर दिया था उसका मेंशन भी हमें नहीं मिलेगा। इस वेबसाइट पे हमें ये दिखता है कि सिख गुरुस वर मार्टीड, इट डज नॉट से हाउ और बाई होम दे वर किल्ड। तो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी के बाद हो गई ये गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट हम लोग अपने खुद के जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको पहचाने, उसको जानने की कोशिश करें और हमारे एडुकेशन सिस्टम को चेंज करें परमानेंटली, ताकि अभी भी जो मुगलों का इफेक्ट इंडिया के पॉपुलेशन पे चल रहा है वो परमानेंटली खत्म हो सके। नाउ लेट्स कम टू द स्पेशल इन्फॉर्मेशन। बाबर को लेके सिर्फ बॉलीवुड ऑब्सेस्ड है ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बाबर को लेके हमारी जो गांधी फैमिली है वो भी काफ़ी ऑब्सेस्ड है। 3 पीढ़ियों से वो बाबर का जो टोम्ब है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। नेहरू साहब इस टोम्ब को विजिट किए थे 1959 में, इंदिरा गांधी ने 1968 में और राहुल गांधी ने इन 2005। इंदिरा गांधी इवन पे रेस्पेक्ट टू द टोम्ब, नटवर सिंह द फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट एट द टाइम रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टूड देयर विद हेड स्लाइटली बाउड पेइंग होमेज एट दैट मोमेंट द सेंचुरीज सीम्ड टू ब्लेंड एंड ब्लर। 2005 में राहुल गांधी अकंपनीड द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन द विजिट ऑफ अफगानिस्तान और वहां जाते ही वो बाबर के टोम्ब पे पहुंच गए। तो ऐसी क्या खास बात है कि 3 पीढ़ियों से ये लोग बाबर के टोम्ब पे जाके अपनी रेस्पेक्ट दे के आते हैं, इसका क्या राज हो सकता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग क्यों उस आदमी को लेके इतना ऑब्सेस्ड हैं जिसने हम लोगों पे इतना अत्याचार किया है, हमारे कल्चर को नष्ट करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि राम जन्मभूमि को भी इसने नष्ट कर दिया था। सो व्हाई इज दिस नेहरू गांधी डायनेस्टी इज वर्शिपिंग दिस मर्डरर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टॉप नर्स खुल चुका है तो जाके वहाँ पे नई वीडियो को चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।